नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिना अभिषेकयामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेवे श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थितंगराय द्वादश गण प्रवेटिताय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय त्वयंभो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्री मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्ब्रह्मणे धनेन्द्रपणा मंडित मंडिताय ऋषि आरिका चावक चाविका चतुर्संगुप्त विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अस्माकम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज तत्सिच उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज संगत ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री दीदी स्वास्थ्य लाभार्थम। आज के प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार स्वर्गीय श्रीमती जयमाला देवी जैन की पुण्य स्मृति में परिवार श्री अजय कुमार जी जैन की ओर से आज की शांति धारा श्री अनुराग जी बंसल के नाम से शांति धारा, उनके कष्ट दूर हो इस भावना से परिवार द्वारा चित्रा विजय जी जैन अशोक विहार दिल्ली से श्रीमती तिशला राजकुमार जी एलजी वालों की तरफ से भी 15 दिन की शांति धारा कमलेश जैन जी की ओर से श्री नसीब जी सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रिद्धिसा परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुणमंडी से श्री भूपत राय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजनाबेन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार अजय जी ऋतु जी शक्तिनगर वालों द्वारा भी 1 महीने की शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर त्रिशला सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी ऋषि टिया व आर्य सोनी प्रीत विहार से श्री राजीव जी जैन अनीता जैन ममता वैभव नेहा मार्दव पुलकित ऐश्वर्य आर्जव प्रियंका अर्पित पारुल अतिन रूपाशी डेलको रबर ट्रेडर्स प्रीत विहार से स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन स्वाति जैन परिवार की ओर से भी शांति धारा स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी जैन श्रीमती इंदु जी जैन दीपक जैन नीतू जैन आकाश जैन निशी जैन पूर्वा जैन पर्व जैन स्पर्श जैन आरोही जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु भी शांति धारा 1 महीने की राणा प्रताप बाग दिल्ली से समस्त शांति धारा कर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले वहाँ यहाँ उपस्थित सभी जैन परिवार से संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन समान तपो दनानाम देश से राष्ट्र से पुरस राज्यम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी के सहयोग से बनने वाला यह विशाल मंदिर जो 1500 गज में आप सभी के सहयोग से आप सभी लोग देख रहे हैं, जिसकी बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गई, जहां पर 24 भगवान व 5 मुख्य वेदियों को स्थापित होना है। बंधुओं, जिस तरीके से आपने भूमि में दान दिया, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप निर्माण कार्य में भी हमारा साथ दे करके ये बनने वाला विशाल मंदिर जो GT करनाल रोड दिल्ली के हार्ट में जो बन रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग सहयोग करके जल्दी से जल्दी इस मंदिर के निर्माण में सहयोगी बने। बंधुओं, कहते हैं जो परिवार एक राई के बराबर भी अगर वो मंदिर के निर्माण में अपने परिवार की तरफ से दान करता है तो शायद उसे कितने ही जन्मों का फल मिलता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने परिवार की तरफ से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 11 लाख जितनी आपकी क्षमता हो इस बनने वाले विशाल मंदिर में सहयोग करके और हमारा सहयोग करें, जिससे इस मंदिर का निर्माण हम जल्दी से जल्दी बना सकें। जिस तरह आपको पता है यहाँ पर 5 मुख्य वेदियाँ वे 24 मंदिर बन रहे हैं, 5 मुख्य वेदियाँ बुक हो चुकी है,
24 मंदिर में से करीब 13 मंदिर बुक हो चुके हैं, केवल 11 मंदिर हमारे बाकी है, जिसमें एक मंदिर व मूर्ति जो कि बिल्कुल अलग अलग बनेंगे उसकी राशि मात्र 21 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से एक मंदिर व मूर्ति जिसका पूरी राशि 21 लाख रुपए की रखी है बना करके ये भी धर्म लाभ ले सकते हैं। बंधुओं, आपके जीवन में दिल्ली जैसी जगह पर ये कार्य हो रहा है, आपको मौका मिल रहा है पुण्य कमाने का, अवश्य आप अपने परिवार की तरफ से कमा करके इस पुण्य को जरूर प्राप्त करें। इसी तरीके से जिस तरह आप देख रहे हो कोरोना के अंदर इस मंदिर के सभी ने मिलकर के कितना सहयोग, जितने कोरोना पीड़ित थे उन सबका किया, कितने ही भाई बहनों को हॉस्पिटलों में भोजन करवाया, और आज विश्व का पहला मंदिर है जहां करीब 30 महीने से लगातार गरीबों को 500-600 लोगों को रोज भोजन करवाया जाता है। यहां पर आप सभी ने देखा होगा शांति धारा के माध्यम से लाखों लोगों को कोरोना के अंदर फायदा हुआ। आप भी अपने परिवार की तरफ से भोजन में व शांति धारा में कुछ भी राशि दे करके जरूर इस कार्य में भाग लेवे। अभी 500 गज जगह हमने हॉस्पिटल के लिए लिए, जिसमें करीब 444 गज का पैसा हमारे पास में आ चुका है, बाकी करीब 56 गज का पैसा हमें और चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि एक गज की मात्र राशि 1 लाख रुपए की है, आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज 2 गज 5 गज 11 गज जितनी आपकी हिम्मत हो दे करके इस पुण्य लाभ को भी ले। जैसा आपको पता है अभी हमने ओपीडी पीछे मात्र 80 गज जगह में चला रखी है, जहां पर करीब 60 से 70 भाई बहन रोज दिखा करके जिन्हें निःशुल्क दवाइयां देते हैं, देख करके अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी क्रियाओं में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे भंडारा हो जहाँ गरीबों को भोजन करवाया जाता है, चाहे शांति धारा हो, सभी में अपने परिवार की तरफ से हिस्सा लेकर के इस मौके को ना छोड़ें। बंधुओं, ये पुण्य का अवसर आपको मिला है, इसे अवश्य आप ग्रहण करें। दिल्ली जैसी जगह पर ये पुण्य आपको मिला है, इसे अवश्य ग्रहण करें। आने वाली 4 तारीख को, जैसा आप सभी को पता है, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मात्र 3100 रुपये की राशि देकर आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर होने वाली शांति धारा, अभिषेक, विधान, पाठ, पूजा, बाहर गरीबों को भोजन, दवाइयाँ जो मुफ्त दी जाएगी, आप सभी उसमें हिस्सा लेकर के और इस पुण्य को अवश्य कमाएं। आने वाली 4 तारीख को संपूर्ण कार्य सुबह 7 बजे से और शाम तक ये कार्य चलेगा, जिसमें हजारों लोगों को, गरीबों को यहाँ पर भोजन भी करवाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप मात्र 3100 रुपये की राशि अपने परिवार की तरफ से दें, आपका नाम यहाँ पर शांति धारा में, लाडू में, सब जगह बोला जाएगा, और जिसका सीधा प्रसारण आप आदिनाथ चैनल के माध्यम से घर बैठे देख सकेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो भी कार्य यहाँ पर हो रहा है उसमें भाग लेकर के और पुण्य कमावे। जैसा आप सभी को पता है इस वर्ष की 9वीं यात्रा जो करीब 5555 यात्रियों की श्री सम्मेद शिखर जी जा रही है, और आज तक करीब 3984 टिकट हमारी बुक हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि जो भाई बहन अभी तक नहीं गए हों, आर्थिक कारण से नहीं जा सके हों, और अगर सीट अवेलेबल हो तो आप हमारे साथ में अवश्य चलें। आप बिना किसी राशि के भी चल सकते हैं, आपकी सभी चीज़ें गोपनीय रखी जाएगी, ये किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आप निःशुल्क जा रहे हैं। शर्त यही है कि आप जहाँ से जा रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से, चाहे दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, पूना, मुंबई, इचलकरंजी, सतलगा, लुधियाना, चंडीगढ़, कहीं से भी जहाँ से ट्रेन की सुविधा हो, आप हमारे साथ चल करके यह भी पुण्य लाभ ले सकते हैं। यह भी आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हमारी जो यात्रा है 7 से 11 अक्टूबर तक रहेगी। जैसा आपको पता है 8 तारीख को एक भव्य आयोजन भक्तामर दीप महार्चना का, दिन में हम पहले विधान करेंगे जो कि वहाँ पर श्री सम्मेद शिखर विधान होगा, शाम को 6:20 से 7:20 तक शंका समाधान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा की जाएगी, और इसी तरीके से 9 तारीख को आप सभी देखेंगे कि महानाट्य जो इंदौर की साधना माधवत जी के द्वारा किया जाएगा रात्रि में वो होगा। 10 तारीख को एक और नाट्य जैन धर्म के अनुसार ही जयपुर की टीम के द्वारा हाय बुढ़ापा ये भी किया जाएगा। आप सभी लोग इस यात्रा में भी अवश्य चलकर धर्म लाभ लेवे। आप नहीं जा सकते हैं और अगर आपकी क्षमता है आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 1,51,000 रुपये देकर बंधुओं, गरीब लोगों को जो नहीं जा सकते हों, ऐसे भाई बहनों को भेज करके इस पुण्य को ले सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है आप 1,51,000 रुपये दे करके 51 भाई बहनों को अवश्य सम्मेद शिखर जी की यात्रा करा देवें, जहाँ हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि, हमारा सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर आप सभी को यात्रा करवा सकते हैं। ये पुण्य लाभ भी आप अपने परिवार की तरफ से लेकर के पुण्य कमा सकते हैं। इन सभी चीज़ों में आप हिस्सा लें। जय जिनेन्द्र, मैं पवन जैन गोधा इस यात्रा का मुख्य संयोजक,
जो आप सभी के समक्ष आप सभी को साथ में लेकर चलने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपके रहने के लिए करीब 16 धर्मशाला, सभी के भोजन की शुद्ध व्यवस्था वहां पर, और करीब 151 पीछियों के दर्शन आपको श्री सम्मेद शिखर जी में होंगे। बंधुओं, इस पुण्य को भी आप अवश्य कमा ले। हमारी ये यात्रा करीब 12 ट्रेन में और 3 फ्लाइट के द्वारा सभी जगह से 6 व 7 तारीख को जाएगी और 8 तारीख को श्री सम्मेद शिखर जी पहुँचेंगे। इस बार इस यात्रा में सभी को हम निमंत्रण देते हैं, जितने भी श्रावक श्रेष्ठी हैं, जितने भी बड़े भाई बहन हैं, जितने पैसे वाले हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप भी इस अद्भुत यात्रा में चल करके हमारा साथ दें। जय जिनेंद्र। आज एक गज की राशि हॉस्पिटल में आगरा निवासी श्रीमती शशि कासलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार जी कासलीवाल, माता श्री श्रीमती नीना गंगवाल एवं श्रीमती अंबर जैन एवं समस्त परिवार 701 ब्रिसवुड रहेजा विलो लोखंडवाड़ा टाउनशिप कांदीवली मुंबई परिवार के द्वारा हॉस्पिटल की जमीन में एक गज की राशि की 1 लाख रुपए दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह पुण्य कार्य किया। यह एक ऐसा परिवार जिन्होंने पहले हमें मंदिर जी की भूमि में भी अपने परिवार की तरफ से राशि दी थी, ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 151,000 रुपये की राशि श्रीमान अभय जैन, सरोज जैन, शरद जैन, एकाग्र जैन, दीपा जैन, ऋषि जैन, अदिति जैन, गजेंद्र जैन परिवार गुरु तेग सिटी रेवाड़ी के द्वारा 51 लोगों को निःशुल्क समय शिखर जी की यात्रा कराने के लिए दिए। ऐसे परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि पर यह यात्रा कराने का पुण्य लाभ लिया। आज की शांति धारा एवं भोजन सरस जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिवार श्रीमान अभय जी जैन, सरोज जैन परिवार रेवाड़ी की तरफ से आज की शांति धारा व गरीबों को भोजन भी कराया गया। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है आने वाली 4 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक, जो जिन्होंने इतने दुख सहन करने के पश्चात भी कभी हारे नहीं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाने का यह सुंदर अवसर 2 साल के कोरोना के पश्चात हम सबको मिल रहा है। मेरा निवेदन है जितने भी भाई बहन यहाँ पर श्री संकटरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर जी से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी 4 तारीख को सुबह ठीक 6:30 बजे यहाँ पर शांति धारा अभिषेक और उसके पश्चात लाडू, यहाँ पर मोक्ष लाडू चढ़ाया जाएगा, उसके पश्चात यहाँ पर विधान किया जाएगा, जो कि समस्त कार्यक्रम बबीता झांझरी जी के सानिध्य में किया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी भाई बहन राणा प्रताप बाग, शक्ति नगर, कमला नगर, रूप नगर, घंटाघर, सब्जी मंडी, प्रेम नगर या जैन कॉलोनी, माँ कल्याणी कुंज, जो भी यहाँ पर रहता है, उन सभी से मेरा निवेदन है बंधुओं, ये सब ये मंदिर केवल और केवल आप सबके लिए बना है, जैन धर्म की प्रभावना के लिए बना है। और भगवान पार्श्वनाथ का जहाँ इतना चमत्कार हो, जहाँ लाखों लोगों को कोरोना पीड़ितों को ठीक किया गया हो, जिनकी शांति धारा से ठीक हुए हों, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक हम सबको मिलकर के मनाना है। ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए जो अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शांति धारा ना करवाएं, आए नहीं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब कार्य छोड़ करके आप अपने सब बच्चों सहित सबको यहाँ आकर के इस पुण्य का लाभ लेना है। बंधुओं, जैसा आपको पता है इस भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चमत्कार आप सबने देखा है, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक इसकी महिमा सबको पता है। अगर आप लोग यहाँ रह करके भी नहीं आ सके तो फिर आपका जैन कहलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अवश्य आने वाली 4 तारीख को सब कार्य छोड़ करके और सुबह ठीक 6:15 बजे तक मंदिर जी में पहुंच जाएं। 6:30 बजे अभिषेक, शांति धारा, और मैं चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जो 8 साल से ऊपर का बच्चा हो वो उस दिन आकर के यहां पर शांति धारा अभिषेक अवश्य करे। आपको अवश्य आना है, सह परिवार आना है, जरूर जरूर आना है। इस समस्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह ठीक 6:30 बजे से आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सभी घर बैठे भी देख सकते हैं। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से केवल शांति धारा कराना चाहते हैं, मात्र 1100 रुपये की राशि है। जो परिवार शांति धारा, गरीबों को भोजन एवं मोक्ष लाडू, विधान आदि सभी में सम्मिलित होना चाहते हो, जिनके परिवार का नाम यहाँ पर बोला जाएगा, उसकी राशि मात्र हमने 3100 रुपये की रखी है। बंधुओं, यह पुण्य कार्य करके आप जरूर पुण्य कमाए। जय जिनेन। मैं पवन जैन गोदा, श्री संकटरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। आओ चले शाश्वत भूमि श्री सम्मेद शिखर जी, जो है 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली, 5,555 यात्रियों का हुआ पुण्योदय, 9वीं सम्मेद शिखर यात्रा से होगा भाग्योदय।
11 ट्रेनों एवं फ्लाइट द्वारा संपूर्ण भारत से दिनांक 6 एवं 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक होने जा रही है अद्वितीय तीर्थ यात्रा, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, सिकंदराबाद, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, गांधीधाम, मुंबई, पुणे, इलचकरंजी, मिरज, सदलगा, इंदौर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बड़ौत, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बनारस, श्री महावीर जी से ट्रेन द्वारा एवं चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, गुवाहाटी, मुंबई, अहमदाबाद एवं दिल्ली से फ्लाइट व ट्रेन द्वारा जाएगी। आप भी यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। किराया मात्र 3,500 रुपए स्लीपर कोच, किराया मात्र 6,100 रुपए एसी थ्री टायर कोच, किराया मात्र 15,000 रुपए फ्लाइट द्वारा आना जाना, जिसमें लोकल बसें, टैक्सी, नाश्ता, भोजन, विधान, सामूहिक वंदना, रहने के लिए सुंदर कमरे। 8 अक्टूबर 2022 को भक्तामर दीप महाअर्चना श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर की सुश्री निष्ठा जैन एवं सौम्या जैन द्वारा। 8 अक्टूबर 2022 को शंका समाधान मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा। 9 अक्टूबर 2022 को महानाट्य रंगशाला ग्रुप इंदौर साधना माधवत जी व टीम द्वारा। 10 अक्टूबर 2022 सुबह श्री सम्मेद शिखर जी में सफाई अभियान। 8 से 10 अक्टूबर 2022 तक सामूहिक वंदना। आशीर्वाद संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, प्रेरणा उपाध्याय श्री 108 गुप्त सागर जी महाराज, मार्गदर्शन मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। आप भी अपने परिवार की ओर से मात्र 1,51,000 रुपए की राशि देकर 51 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करा सकते हैं। आपका नाम भी संयोजक टीम में होगा। विशेष सूचना, पारिवारिक रूप से यात्रा करने में असमर्थ यात्रियों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आयोजक आदिनाथ टीवी चैनल परिवार।